हमारी सबसे पहले ट्रिक है वो है कीवर्ड्स की। तो जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, या देख सकते हैं मैंने एक नोट खोल रखा है और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज ऑल्सो कुछ भी ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को इसको अंडू करना है, तो कैसे करूँ? एक तो तरीका है ये, स्वाइप बैक किया हो गया, रेडू करना हो एक ये तरीका है, मतलब तीन फिंगर्स आपको लेफ्ट राइट में स्वाइप करनी है। और एक और तरीका भी, आप इस पर डबल टैप करेंगे तब भी हो जाएगा, बट रेडू के लिए आपको करना पड़ेगा। एक और तरीका भी है, इसके ऊपर आप सिंपली करेंगे, ये आप देख सकते हैं पूरा वो आ गया, कंट्रोल सेंटर आ गया। आप कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, रेडू करना चाहते हैं, हर एक चीज़ आ गई, मतलब इतना कंफर्टेबल है। और अगर आपको इन बिटवीन इनके अंदर स्वाइप करना है, जो हमारा बार है, स्पेस प्रेस किया, जैसे मैंने बी को बड़ा करना है, ये हो गया। और इसके बाद मेरे को अगर फुल स्टॉप लगाना है तो हमको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर जाके यहाँ करते हैं, एक इसका शॉर्टकट भी है वो है इसका, ये आप देख सकते हैं, इसको होल्ड करना है और यहाँ पर यूँ कर देना है। बड़ा ही आसान तरीका, और ये सारे नंबर वंबर सब पे काम करेगा, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ गाइस। अब आते हैं एक बर्स्ट मोड के ऊपर, वो काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आना सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे कैमरा ऑप्शन दिखेगा, कैमरा ऑप्शन में आने के बाद आपको सिंपली स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पे एक तो ये फीचर एनेबल कर देना, प्रायोरिटाइज फास्टर शूटिंग, अभी मैं बताऊँगा इसका मतलब क्या है। और दूसरा यहाँ पे दिखेगा यूज़ वॉल्यूम अप फॉर बर्स्ट, ठीक है, ये एनेबल कर देना, इसको मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब आना है हमारा कैमरा सेक्शन के अंदर। अब आप देखेंगे अगर मैं नीचे वाला प्रेस करता हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड शुरू हो जाएगी, और जब तक आप प्रेस करेंगे तब तक होगी, बेसिकली शॉर्ट क्लिप्स के लिए है, ठीक है। अब हो गया, अब करते हैं बर्स्ट मोड, वॉल्यूम अप वाला दबाएंगे, तो जैसे मैं दबाता हूँ ये आप देख सकते हैं बर्स्ट मोड क्लिक हो रहा है। और जो हमने एक और फीचर एनेबल किया था ना, अब उसका रीज़न बताता हूँ मैं, क्या बर्स्ट मोड में क्या है, इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आती, मतलब एट द एंड ना क्वालिटी इतनी परफेक्ट नहीं होती बर्स्ट मोड की। बट अगर आपको जैसे कोई मोशन शॉट है, ज़्यादा मोशन में नहीं है, लाइक कोई हैंड हिला रहा है, कोई साइकिल वाइकिल चला रहा है, उसके लिए परफेक्ट वर्क करेगा। जैसे क्या करना है आपको, ये आप देख सकते हैं टैप करते जाना करते जाना, और ये तभी पॉसिबल है जब आप वो फीचर एनेबल करेंगे, नहीं तो काफ़ी स्लो होगा। तो ये शटर स्पीड इससे बेसिकली फास्ट हो जाती है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, हमने को ट्राई किया है, तो ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। अब आपको बताते हैं होम बटन कैसे लाना है, बड़ा ही कमाल का फीचर है, हालांकि ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन उसमें एक ट्रिक है वो हम आप बताएंगे आज। सेटिंग्स के अंदर आएंगे, एक्सेसिबिलिटी स्वाइप डाउन करेंगे, यहाँ पे आएंगे टच के अंदर, टच के अंदर आने के बाद एक्सेसिव टच दिखेगा, इसको कर देंगे एनेबल, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, इसको आप कस्टमाइज करना है, आपको सिंगल टैप पे करना है, आपको होम जो होम दिख रहा है हमने सेलेक्ट कर रखा है, और डबल टैप पे आप कुछ भी अपनी चॉइस कर सकते हैं, हमने मेन्यू रख रखा है ताकि मेन्यू में अगर कुछ करना हो तो करें। अब ये आ गया, इसको रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो मैंने सेटिंग्स ओपन करी, कुछ भी ओपन करूँगा ना, मतलब सफारी ओपन किया आ गया, और कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, और नोट्स ओपन किया, नोट्स ओपन किया, काफ़ी कमाल का फीचर है। डबल टैप पे आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सेसिव टच करते हैं, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। अब आपको बताते हैं स्क्रीनशॉट एडिट कैसे करना है, मतलब ऑन द गो एडिट होगा, बड़ा ही कमाल का फीचर है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये आ गया स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का आइकन दिख रहा है, बड़े ही कमाल के फीचर्स हैं यार इसमें, कि आप देख सकते हैं कुछ तो टेक्स्ट ऐड करना, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये आप इजीली कर लेंगे। अब सिग्नेचर है, जैसे मैंने अपना सेव सिग्नेचर कर रखा है, तो यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया, ये आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, अभी तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही दिख रहा होगा। तो एक तो ये हो गया, और दिखाता हूँ आपको मैग्नीफायर, ये भी बड़ा कमाल का है मैग्नीफायर, है इसको लार्ज है स्मॉल कर सकते हैं, और जहाँ पे रखना हो मान लिया आपको ए बड़ा दिखाना है या वॉच द फिल्म दिखाना है, इसको आप कोई भी कर सकते हैं। एक और बड़ी चीज़ कमाल की है, ओपेसिटी तो आप कर सकते हैं, ये देखो ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये सपोज करो आपको ये वॉच फिल्म या ये वाला आइकन आपको हाइड करना है या इसके ऊपर कलर पेस्ट करना है, तो सिंपली एक बार इसको परफेक्टली सेट कर लेते हैं। ये हो गया सेट, अब क्या करना है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको देखना है मेरे को पूरे फिल पे चाहिए, ठीक है, तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे कलर आ जाएगा, अब अपने अकॉर्डिंग भी कलर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से किया, मान लो मेरे को करना है ब्लैक करना है, लेकिन ब्लैक की ये कर ले, हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी हमको ओपेसिटी थोड़ी कम रखनी है, थोड़ा मतलब दिखे और थोड़ा नहीं भी दिखे,
ठीक है, ये कर लिया और यहाँ पे आप कर देंगे डन। ये आप देख सकते हैं ऊपर कलर आ चुका है वैसा ही, इसको साइज़ वगैरह कर सकते हैं, डन कर देते हैं, सेव हो जाएगा। डन किया, सेव टू फोटो, सेव टू फाइल, डिलीट स्क्रीनशॉट। बड़ा ही कमाल के फीचर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ गाइस। अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल की है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आना है आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर, यहाँ पे आपको दिखेगा स्पोकन कंटेंट, इसको क्लिक करना है। स्पीक सिलेक्शन और स्पीक स्क्रीन, ये दोनों एनेबल कर देना चुपचाप, और कुछ नहीं करना। अब आएंगे इधर, पहले आते हैं इंग्लिश वाले पार्ट पे, ठीक है। अब मान लो ये पेज है, इसको मेरे को स्पीक करवाना है पूरा, कुछ नहीं करना, दो फिंगर ऊपर से स्वाइप करनी और पूरा हो जाएगा। और ये सारी सेटिंग्स हाइड भी कर सकते हैं। पॉज करना हो तो इसको यहाँ से पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा पे जा सकते हैं, स्पीड सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। मतलब इसको कर देते क्रॉस। अब ये तो हो गया, मान लो मेरे को ये स्टैंजा बुलवाना है, हो गया स्पीक का, स्पीड मैंने तेज कर रखी है इसलिए कर रहा है, ठीक है। अब एक और कमाल की चीज़ बताता हूँ, ये हिंदी में भी वर्क करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, सेट कर देता हूँ, वन कर दिया। अब देखना, अब देखो, उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पुनीत पाठक की शादी का एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है। निधि सिंह, पोज करना हो तो पोज कर दिया। बड़ा ही कमाल का फीचर है गाइस, ये फीचर जरूर ट्राई करना अगर आप वेबसाइट वगैरह यूज करते हो, काफी यूज करते हो, तो ये फीचर जरूर यूज करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ गाइस। अब जो ट्रिक है ना वो बड़ी कमाल की है। अब जैसे देख सकते हैं आप, ये पेज है, इतना बड़ा पेज है, मेरे को इसकी पीडीएफ चाहिए इस पूरे पेज की, वो कैसे आएगी सोचेंगे तो यार बहुत मुश्किल है, लेकिन तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट। हे सिरी, टेक ए स्क्रीनशॉट। गाइस देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसके ऊपर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे आपको दिखेगा फुल पेज, इसको करना है फुल पेज। ये सारा जितना बड़ा पेज है आपका हो गया, कुछ नहीं करना है, इसको करना है डन, सेव पीडीएफ टू फाइल्स। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेजेस पे कर दिया इसको सेव, होगी ना सेव। अब देख सकते हैं ये मैं आ गया पेजेस के अंदर, ये देख सकते हैं आप पूरी, मतलब सब पीडीएफ है। आप इसको आप शेयर करो, कुछ भी करो, अपने पास रखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सब कुछ करो, एंजॉय द ट्रिक्स गाइस। नेक्स्ट जो ट्रिक है ना वो प्राइवेसी से रिलेटेड है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो सेटिंग्स के अंदर आना है चुपचाप, और यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइवेसी, इसी को ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फोटोज़ के अंदर आना है। अब ये मतलब सपोज करो मैं स्नैपसीड यूज़ करता हूँ, मेरे को सिर्फ सिलेक्टेड फोटोज ही चाहिए कि स्नैपसीड यूज़ करे और ना ही करे ना, मतलब जैसे गूगल का ये ऐप है, गूगल को पता भी ना लगे मेरे ऐप में कौन सी फ़ोटोज़ हैं, तो इसके रिलेटेड है ये, काफ़ी लोगों को पसंद आ सकती है ये चीज़। तो यहाँ पे आप ऑल फोटोज़ रख सकते हैं, डिफॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑल फोटोज़ ही होता है, तो ऐप ऑफ कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं कि आपको एक भी मतलब गूगल को पता ही नहीं लगे कि कौन सी फ़ोटो किस में क्या पड़ा है, कुछ भी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप थर्ड पार्टी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हर चीज़ में रख सकते हैं। जैसे ट्विटर हो गया, ट्विटर तो जैसे सोशल मीडिया है, यूँ लगा लो, ये वेलम ऐप है, अभी ये रैंडम ऐप है, इसकी नीड नहीं है मेरे को फ़ोटोज़ की, तो इसको नन कर दो। अननेसेसरी अपना डाटा किसी को शेयर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप हर किसी की अपनी प्रायोरिटी हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ गाइस। अब ये ट्रिक जो है ये कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है, तो इसमें करना क्या है आपको, जैसे सपोज करो मेरे को ये तीन ऐप या ये सारे, ये लगा लो ये 1 2 3 4 5 6 7 सात तो ऐप है मेरे को यहाँ लेके जाने हैं, यहाँ तो स्पेस नहीं है, या मेरे को यहाँ पे लेके जाने हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, या तो मैं एक एक ऐप करके इतनी दूर ले जाऊँगा, उससे बेटर तरीका क्या है, इसको मैंने होल्ड ऑन किया, आ गया ये मेरे को एक ऐप पकड़ लिया मैंने। अब क्या करना है, बाकी के मैं सिलेक्ट कर दूंगा, अब ये क्या करना है, सिंपली गाइस मजेदार ऐप है, कस्टमाइजेशन जो ज्यादा करते हैं इधर उधर चीजें करते हैं उनके लिए काफी जबरदस्त है और काफी क्विक एक्शन है, तो काफी बढ़िया है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।